देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने। थाना के इमादपुर गांव में फौजी जवान की गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि विगत रविवार की रात जनेश्वर सिंह के 30 वर्षीय पुत्र फौजी मुकेश कुमार रात्रि में भोजन करने के बाद टहलने के लिए घर से बाहर निकला था, जो पूरी रात घर नहीं लौटा। प्रातः काल दलित बस्ती में टेम्पू में फौजी का शव बरामद किया गया, जिसको लेकर गांव में सनसनी फैल गई। फौजी को गला दबाकर हत्या करने की बात परिजनों ने बताई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घूमने फिर सोच करने के लिए निकले थे, उसी दौरान हम लोग को कुछ दिन किया पता उतर नहीं चलने से सुबह हम लोगों को पता चला कि उनका रेट गोली पड़ गया था। कब पता चला था आप लोग को? सुबह करीब 6 बजे का। क्या पता चला? इनका रेट गोली पड़ हुआ है टेम्पो में। अच्छा, क्या पहले कुछ विवाद था? कुछ नहीं था, ये फौजी आदमी, इनको कोई विवाद नहीं था। क्या नाम है इनका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, घर कहाँ है? मातपुर। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। क्या लेकर के यहाँ पर आए आप? कैसा लाश है ये? गला केपल है। गला जवाल है। कौन गांव का घटना है? इमादपुर। खास इमादपुर गांव कौन है? खाली इमादपुर। कब मालूम चला था? क्या मालूम चला सुबह में? कहाँ? अच्छा, कैसे लगा था कि हत्या के लिए? कुछ कुछ नहीं के पता, कहे कहते झगड़ा लड़ाई, कुछ नहीं के पता। अच्छा, कौन थाना सैलवानी? का नाम पड़ी?